हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी आप? दोस्तों ये सामने ट्रेन खड़ी है, जो इस ट्रेन का जो नंबर है वो 02317 है। ये अकाल तख्त प्रकाशोत्सव फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है, जो कि अपना कोलकाता से आई है और अमृतसर तक जाएगी। अभी ये फिलहाल लुधियाना जंक्शन से डिपार्चर लेने वाली है और इसका जो अपना ये WAP7 लोकोमोटिव है हावड़ा शेड का, इसका जो कोलकाता से चलने का जो टाइम है वो अपना दोस्तों पहले दिन सुबह 7:40 है। और वैसे तो दोस्तों मैंने अपना 12317 पे भी अलग से वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा। ये ट्रेन वाया आसनसोल जंक्शन, मधुपुर जंक्शन, झाझा, क्यूल जंक्शन, पटना साई, पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, सुल्तानपुर जंक्शन, लखनऊ चारबाग, बरेली जंक्शन, मुरादाबाद जंक्शन, सहारनपुर जंक्शन, अम्बाला कैंट जंक्शन, सरंद जंक्शन, ओके लुधियाना जंक्शन पहुंचती है। इसका जो आसनसोल जंक्शन पहुंचने का जो टाइम है 10:32 और चलने का टाइम 10:37 है। मधुपुर जंक्शन इसके पहुंचने का टाइम सुबह 11:41 है और चलने का टाइम 11:43 है सुबह। और झाझा ये ट्रेन पहुंचती है दोपहर को 1:12 पे और चलती है दोपहर को 1:17 पे। और क्यूल जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है दोपहर को 1:57 पे और चलने का टाइम 1:49 है। वैसे तो दोस्तों मैंने अपना 02357 पे भी अलग से वीडियो बनाया, दुर्गियाना COVID-19 स्पेशल, वो मैंने लुधियाना जंक्शन से डिपार्चर बनाया था, उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा। और ये ट्रेन पटना साहिब पहुंचती है दोपहर को 3:17 पर, चलने का टाइम 3:22 और पटना जंक्शन इसके पहुंचने का टाइम दोपहर को 3:55 है और चलने का टाइम शाम को 4:05 है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है रात को 7:35 पे और चलने का टाइम रात को 7:45 है। वाराणसी जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है रात को 8:30 और चलने का टाइम रात को 8:40 है। सुल्तानपुर जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है रात को 10:46 पर, चलने का टाइम रात को 10:48 है। और लखनऊ चारबाग ये अगले दिन सुबह पहुंचती है 2:43 पर, चलने का टाइम 2:53 है। वैसे तो दोस्तों मैंने अपना 18103 पे भी अलग से वीडियो बनाया, जलियांवाला बाग एक्सप्रेस टाटानगर अमृतसर, उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा। बरेली जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है सुबह 6:13 पर, चलने का टाइम 6:15 है। मुरादाबाद जंक्शन इसका सुबह पहुंचने का टाइम 7:50 और चलने का टाइम सुबह 7:58 है। सहारनपुर जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है सुबह 11:20 पर, चलने का टाइम सुबह 11:30 है। और अम्बाला कैंट जंक्शन ये ट्रेन पहुंचते दोपहर को 12:45 पर, चलने का टाइम दोपहर को 12:50 है। सरंद जंक्शन इसके पहुंचने का जो टाइम है वो 1:31 है दोपहर को, चलने का टाइम 1:33 है। और लुधियाना जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है दोपहर को 2:28 पर, चलने का टाइम 2:38 है। और वैसे तो दोस्तों मैंने अपना 12318 पे भी अलग से वीडियो बनाया, अकाल तख्त एक्सप्रेस अमृतसर कोलकाता, उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा। और ये ट्रेन वाया जलंधर सिटी जंक्शन, ब्यास जंक्शन, ओके अमृतसर जंक्शन पहुंचती है। जलंधर सिटी जंक्शन इसके पहुंचने का टाइम दोपहर को 3:35 है और चलने का टाइम 3:40 है। और ब्यास जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है दोपहर को 4:12 पर, चलने का टाइम शाम को, जो इसके ब्यास जंक्शन पहुंचने का जो टाइम है वो शाम को 4:12 और चलने का टाइम शाम को 4:14 है। तो अमृतसर जंक्शन फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पहुंचती है शाम को 5:20 पे दूसरे दिन। वैसे तो दोस्तों मैंने अपना 03006 पे भी अलग से वीडियो बनाया, अमृतसर हावड़ा मेल, उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा। वह ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1897 का, 21 लेती है, टोटल ट्रैवल टाइम लेती है 33 और 40 का। और ये वीक में एक ही दिन चलती है कोलकाता से, वेडनेसडे को चलती है कोलकाता से और अपनी डेस्टिनेशन अमृतसर थर्सडे को पहुंच जाती है। और इसकी जो रेक पोजीशन है इसमें 2 EOG हैं, D1 से D2 तक इसमें 2 सेकंड सीटिंग है, S1 से लेकर S10 तक इसमें 10 स्लीपर है, B1 से लेकर B6 तक इसमें 6 AC 3 टायर है और एक इसमें HA1 कोच है, यानी AC फर्स्ट कम AC 2 टायर। और आप जैसा कि देख सकते हैं AC 3 टायर कोचिज हैं। और जो इसमें अपना दोस्तों दुर्गियाना COVID-19 स्पेशल और अकाल तख्त एक्सप्रेस में जो डिफरेंस है, वैसे तो ये दोनों ट्रेन अपना दोस्तों कोलकाता से आती हैं, डिफरेंस इन दोनों में बस ये है, जो अपना दोस्तों दुर्गियाना है COVID-19 स्पेशल है वो वाया धनबाद जंक्शन, गाया जंक्शन, सासाराम जंक्शन होके अपना दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचती है। और ये जो ट्रेन है अकाल तख्त फेस्टिवल स्पेशल, ये ट्रेन वाया मधुपुर जंक्शन, झाझा, क्यूल जंक्शन, पटना साहिब, पटना जंक्शन होके अपना दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचती है। और जो इस ट्रेन की बाकी अदर डिटेल्स होगी वो मैं आपको अब लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेक कर लेना इस ट्रेन की सारी डिटेल्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं
चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस।